नमस्कार फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट आशीष बरुआ फ्रॉम बरुआ जुबे। वीकली करेंसी एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 30 जुलाई 2022। आइए देखते हैं कि पिछले हफ्ते में कैसे प्राइसेस एक्टिविटी हुआ है और आने वाले दिनों में क्या क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस प्राइस एक्टिविटी में। बिफोर वी स्टार्ट, प्लीज लाइक द वीडियो एज इट इंस्पायर्स मी टू पुट मोर एफर्ट एंड मेक श्योर बेटर एंड क्रिएटिव इफेक्टिव कंटेंट फॉर यू। Without further ado, let's begin. डॉलर इंडेक्स अभी है 105.84। ये वीकली में हम देखेंगे कि फ्रॉम 30 मई वीक ऑनवर्ड्स जो हमें प्राइस दिख रहा था कि बीच में सिर्फ एक ही नेगेटिव कैंडल मिला था, उसके बाद ये दिस इज द फर्स्ट टाइम कि ये दो बैक टू बैक रेड कैंडल या नेगेटिव कैंडल फॉर्म हुआ है ऑन ए वीकली बेसिस। दिस सिग्निफाइज दैट यहाँ पे स्ट्रेंथ थोड़ा कमी है। एंड ऑल्सो ये जो आपका ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नीचे क्लोज दिया है। अभी जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल होगा ऑन वीकली बेसिस वो है 105.30 से 105.50 में। एक बार हम मंथली में इसका नजर डाल देते हैं। मंथली में जो ये जुलाई महीने में जो कैंडल फॉर्म हुआ है वो है एक हैमर, इन्वर्टेड हैमर कैंडल, इन्वर्टेड हैमर कैंडल एंड एट द रेजिस्टेंस लेवल। ये जो हमारा 109.75 का नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस था उसमें उस वहां पे प्राइस रिजेक्शंस आया है। अभी मंथली में हम क्या देख सकते हैं कि एक इस टाइप का नेगेटिव कैंडल एंटायर मंथ में हमें मिलता है क्या, समथिंग लाइक दिस। इस टाइप का एक नेगेटिव कैंडल हमें अगर मिलता है देन इसका जो हाई है वो सील हो गया। एंड अगर इस टाइप का कैंडल फॉर्मेशन होता है इट्स ए इवनिंग स्टार फॉर्मेशन, बट इट्स ए मंथली कैंडल सो वी नीड टू बी, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम टू सी हाउ द प्राइस एक्शन बिहेव्स। इसको अगर हम डेली में देखने का कोशिश करेंगे तो डेली में आप देखोगे कि ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नीचे क्लोज दिया है एंड इमीडिएट सपोर्ट जैसे कि हमने बताया है कि 105.30 से 50 के बीच में ऑन ए डेली बेसिस एक इमीडिएट सपोर्ट है। इस सपोर्ट के नीचे अगर मूव किया देन हमारा जो टारगेट होगा 103.50 से 103.75 एंड उसको भी अगर तोड़ दे देता है आने वाले हफ्तों में या महीनों में देन जो हमारा टारगेट होगा 101.25 से 101.50। यहाँ पे जो देखने वाला बात है कि पिछले हफ्ते में क्या क्या एक्टिविटी हुआ है। पहला हुआ है 26 और 27 जुलाई को, दैट इज द एफओएमसी मिनट्स, एफओएमसी रेट डिसीजंस, जहां पे फेड रेज्ड पॉलिसी रेट बाय 75 बेसिस पॉइंट्स टू 2.25% टू 2.50% रेंज एज पर द एक्सपेक्टेड लाइंस। फेड वाज वेरी क्लियर दैट दे विल फाइट इन्फ्लेशन इवन इफ इट मींस अ सस्टेन्ड पीरियड ऑफ इकोनॉमिक वीकनेस एंड अ स्लोइंग जॉब मार्केट। Fed believes another unusually large increase could be appropriate but will depend on data. Forecast in mid-June shows official expected to raise the rates to above 3.4% this year and 3.8% in 2023. Expectation remains for a 50 basis point increase in September month. The optimism comes from the prospect of an eventual slowing in the pace of Fed monetary tightening. That possibility could also cap bond yields and aggressive dollar strength from here on. When asked in US recession, Mr. Powell stated that it does not make sense that the economy would be in recession, given the monthly payroll growth has recently been averaging 450,000 jobs and that employers added 2.7 million jobs in the first half. Fed statement seems to be the first since January 2020
तो नॉट मेंशन कोरोना वायरस और कोविड। उसके बाद था आपका जीडीपी डेटा, यूएस इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर ए सेकेंड कंसेक्यूटिव क्वार्टर सिग्नलिंग ए टेक्निकल रिसेशन, फेड फंड्स फ्यूचर पुल बैक रेट हाइक एक्सपेक्टेशन, डॉलर इंडेक्स एंड यूएस 10-year ट्रेजरी यील्ड्स शेड सम ग्राउंड व्हाइल स्टॉक्स एंड ऑयल एडवांस्ड। Data showed that US GDP fell at a 0.9% annualized rate in the second quarter. Consumer spending grew at its slowest pace in 2 years and business spending contracted. Also, US initial jobless claim rose by 256,000 in the week ended July 2022, worse than anticipated. US Treasury Secretary Yellen did not rule out a possible recession, but refused to concede that one was underway after 2 quarters of GDP contraction. आइए अभी देखते हैं कि डॉलर रुपी में क्या हुआ है। डॉलर रुपी वीकली में ये एक इवनिंग स्टार फॉर्मेशन ऑन टेक्निकल वे में आया है, एंड मंथली में देखेंगे तो मंथली में एक इन्वर्टेड पिन बार बनाया हुआ है। अगर हम डेली में आएंगे तो आपका ये 22 जुलाई को फर्स्ट टाइम ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नीचे क्लोज दिया था। उसके बाद हमारा जो ऑब्जर्वेशन था दैट इज द 14th of July 2022, जहां पे 14th of July 2022 का जो मदर कैंडल है उसके रेंज के बाहर जाना था। अगर ऊपर जाता तो हमारा एक्सपेक्टेशन था 80.60, और अगर नीचे आता है तो हमारा एक्सपेक्टेशन हो सकता है 78.80 से 79.00। तो इस हफ्ते में हमने देखा कि ये 79.60 के नीचे क्लोज दिया है एंड इट ट्रेडेड लो ऑफ 79.18 एंड फाइनली क्लोज्ड एट 79.33। सो इमीडिएट जो सपोर्ट होगा हमारा 78.80 से 79.00। डॉलर रुपी क्या फर्दर और स्ट्रेंथ होगा वो डिपेंड करेगा हाउ द डॉलर इंडेक्स इज बिहेविंग, हाउ द क्रूड ऑयल इज बिहेविंग एंड ऑल्सो अदर करेंसी पेयर्स आर बिहेविंग अगेंस्ट योर डॉलर टर्म्स। जीबीपी डॉलर में हम देखेंगे कि वीकली में एक अच्छा स्ट्रेंथ देखा गया है एंड इट ट्रेडेड इन बिटवीन आपका 1.1960 एंड 1.2245। और अगर इसको हम मंथली में देखेंगे तो मंथली में एक बहुत बढ़िया पिन बार बनाया हुआ है एंड पिन बार का जो लोकेशन है एकदम पिक्चर परफेक्ट लोकेशन। व्हाट इट मींस, जैसे ये जो पिक्चर परफेक्ट क्यों है, ये सपोर्ट प्रीवियस मंथली सपोर्ट एरिया पे जाके ये पिन बार बना हुआ है। ये पिन बार अभी मंडे ऑनवर्ड्स ये पिन बार के ऊपर जैसे ही ट्रेड करना चालू होगा देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज की ग्रेजुअली जीबीपी डॉलर स्ट्रेंथ हो सकता है एंड ऑल द कैलकुलेशन विल निगेट एक बार अगर ये पिन बार के लो के नीचे ट्रेड करना चालू किया मंथली टाइम फ्रेम। अगर डेली टाइम फ्रेम में हम देखेंगे तो फ्राइडे को एक स्पिनिंग टॉप फॉर्म हुआ है। बेसिकली जो इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल है 1.2300 से 1.2325 के तरफ है। ये अगर तोड़ देगा तो हमारा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आएगा एक 2.4650 से 2.4675 की तरफ एंड उसके बाद जो हमारा अल्टीमेट टारगेट हो सकता है कि 1.2675 से 1.2700 उधर जाने का प्रयास कर सकता है। अगर हम यूरो डॉलर में मंथली के चार्ट देखेंगे तो ये एक हैमर टाइप ऑफ फॉर्मेशन हुआ है एंड इसका लोकेशन मंथली सपोर्ट के ऊपर है। व्हाट इट मींस, जैसे ही मंथली हाई के ऊपर ट्रेड करना चालू करेगा तो ऊपर की तरफ जाने का एक्सपेक्टेशंस होगा। यानी मंडे ऑनवर्ड्स अगर यूरो डॉलर 1.05 के ऊपर ट्रेड करना चालू किया तो ये जो नेगेटिविटी है थोड़ा सा सबसाइड करने का पॉसिबिलिटीज हो सकता है।
इसको अगर हम वीकली में देखेंगे तो वीकली में प्रीवियस वीक्स जो था काफी स्ट्रॉन्ग था, लेकिन ये करेंट वीक एक छोटा डोजी टाइप ऑफ कैंडल फॉर्म हुआ है, बट प्राइस रिजेक्शंस एट द लोअर एंड, व्हाट इट मींस, इट इज इक्वली स्ट्रॉन्ग लाइक इट्स प्रीवियस कैंडल। तो अभी हमारा जो इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा वो होगा 1.0375 से 1.0400, देन 1.0475 से 1.0500 एंड 1.0600 से 1.0625। इसको अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखने का कोशिश करेंगे तो यहाँ पे एक हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन करने का कोशिश कर रहा है। व्हाट इट सिग्निफाइज इज दैट जैसे ही ये कंसोलिडेशन दैट इज 1.0280 के ऊपर डेली क्लोज दे देगा, इट विल क्रिएट हायर हाई हायर लो फॉर्मेशंस एंड देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज कि यूरो डॉलर विल मूव हायर। आल्सो देयर इज अ ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस हियर। इस करेंसी पेयर को अगर ऊपर में ट्रेड करना है तो इस ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के ऊपर पहले क्लोज देना पड़ेगा मंडे ट्यूजडे या वेडनेसडे को, देन एंड ओनली देन वी कैन एक्सपेक्ट some upward movement, otherwise some sideways choppy volatile movements are expected in this pair. Dollar yen का सबसे बड़ा ये है कि आपका एक अच्छा सा negative candle बनाया हुआ है, that is KR candle की reversal candles, and इसके low के नीचे आपका low है 132.50, weekly basis पे अगर close दे देता है, let me explain little bit here. ये मंथली चार्ट है तो क्लोजिंग एक टाइम फ्रेम नीचे क्लोज देना पड़ेगा, दैट इज वीकली में ये 132.50 के नीचे क्लोज देगा तो वी कैन एक्सपेक्ट फर्दर डाउनवर्ड मूव इन मंथली टाइम फ्रेम। इसको वीकली में एनालाइज करने का कोशिश करेंगे तो बैक टू बैक दो नेगेटिव कैंडल वीकली कैंडल बनाया हुआ है जो आपका 30th मई का वीकली कैंडल के बाद फर्स्ट टाइम हो रहा है। So that shows some sort of weakness in dollar yen. इसको hourly पे check करने का कोशिश करेंगे तो आप देखोगे ये trend line support जो काफी time से support कर रहा था ये break किया आपका 21st July, then 26th July इसके low के नीचे continue हुआ, उसके बाद तीन candle 22nd July candle के नीचे अंदर में ट्रेड किया, एंड जैसे ही 22nd जुलाई का मदर कैंडल के लो के नीचे ट्रेड हुआ एक अच्छा खासा शार्प डाउनफॉल देखा गया। हमारा जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल था 134.25 से 134.50 जो क्लोज दे चुका है, एंड नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट हो सकता है 131.00 से 131.25 के तरफ। इसको भी अगर तोड़ देगा तो ये जो जोन होगा आपका 126 एंड 131 के बीच में काफी चौपी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है इन डॉलर येन। जीबीपी आईएनआर मंथली में देखेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक क्लियर कट कैंडल हुआ नहीं है, एक पिन बार या स्पिनिंग टॉप टाइप ऑफ फॉर्मेशन हुआ है। So, consolidation is expected here. क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो जीबीपी डॉलर में स्ट्रेंथ दिख रहे हैं डॉलर रुपी में उसका वीकनेसेस न्यूट्रलाइज कर रहा है। अगर हम वीकली में चार्ट को चेक करने का कोशिश करेंगे कि ये जो इमीडिएट रेजिस्टेंस था 96.7075 का था उसमें तो ट्रेड किया लेकिन प्राइस रिजेक्शन हो गया है, यानी अभी थोड़ा सा यहाँ पे हार्डशिप देखेगा ये ऊपर जाने के लिए थोड़ा सा हर्डल्स आ सकता है। अगर हम डॉलर डेली चार्ट में देखेंगे तो डेली चार्ट में ये एक हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन बना चुका है, अभी एक स्विंग लो बनाने के बाद फिर अगर ये इमीडिएट हाई को तोड़ेगा दैट इज 97.3040 को तोड़ेगा तो जो हमारा एक्सपेक्टेशन है 98.3040 उसके टारगेट में पहुंच यूरो आईएनआर में मंथली पहले चार्ट देख लेते हैं। मंथली में हम देखेंगे कि एक बड़ा नेगेटिव कैंडल बनाया हुआ है लेकिन प्राइस नीचे के लेवल पे रिजेक्ट हुआ है, रिजेक्शंस काफी देखा गया है आपका 79.50 से आपका 80.90 तक एक प्राइस रिजेक्शंस हुआ है, यानी यहाँ पे बायर्स आर एक्यूमुलेटिंग। और अगर
एक्यूमुलेशन जोन देखोगे तो आपका ये जो जोन है इट इज ए गुड एक्यूमुलेशन जोन, क्योंकि इस एक्यूमुलेशन जोन के बाद ही प्राइस आपका एक अप मूव देखा गया है फ्रॉम 81 से आपका 91 तक। तो दिस ऑन ए मंथली टाइम फ्रेम इज ए गुड एक्यूमुलेशन जोन। इसको वीकली में अगर हम देखेंगे, वीकली में एक डबल बॉटम फॉर्मेशन करने के बाद उससे पहले वाला 18 जुलाई वाला वीक में एक पॉजिटिव कैंडल दिया है, लेकिन 25 जुलाई में ये एक अच्छा कैंडल दे नहीं पाया, एक नेगेटिव कैंडल बनाया है। बिकॉज ये जो गैस सप्लाई रिलेटेड एक्टिविटीज यूरोपियन कंट्रीज में देख रहे हैं, बिकॉज ऑफ विच उनका जो इकोनॉमिक स्लो डाउन काफी स्ट्रांग है, इसके लिए करेंसी पेयर में काफी इम्पेक्ट आ रहा है। जेपी वाई आइनर मंथली में अगर हम देखेंगे तो ये आपका ये जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल था उसके नजदीक आके एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल बनाया हुआ है। अभी मंथली टाइम फ्रेम में जो जून महीने का मंथली हाई है दैट इज 0.6030 उसके ऊपर वीकली बेसिस पे क्लोज दे देगा, तो इसमें हम और भी स्ट्रेंथ देख सकते हैं, जेपी वाई आइनर में ऊपर की तरफ जाने का हायर प्रोबेबिलिटीज हो सकता है। अगर वीकली में प्राइस एक्शंस को देखेंगे, यहाँ पे डबल बटन बनाने के बाद ऊपर जाने का कोशिश किया है, जहाँ पे हमारा जो इमीडिएट टारगेट है 0.6100 के आसपास। डेली टाइम फ्रेम में प्राइस आपका ये जो देखोगे कि 28 जुलाई का कैंडल का RSI जो 60 के ऊपर गया है, अभी ग्रेजुअली ये ऊपर जाने का कोशिश करेगा। हाँ, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड रॉकेट की तरह नहीं जाएगा, प्रॉफिट बुकिंग भी काफी कुछ आएगा, बिकॉज रूपी डॉलर रूपी थोड़ा सा नीचे की तरफ जा रहा है एंड इसका एक नेगेटिव कंपोनेंट आ रहा है, सो इतना स्मूथली नहीं जाएगा, बट आने वाले दिनों में इसका एक्सपेक्टेशन है कि ये आपका 0.61 की तरफ जाने का हायर चांसेस है। डॉलर कैंडी में मंथली चार्ट देखेंगे तो ये जो हमारा इमीडिएट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था दैट इज 1.30 के आसपास, 1.2950 से 1.30, उसमें मंथली कैंडल ट्रेड तो किया लेकिन फेल हुआ एंड क्लोज एट 1.28 के नीचे। सो हमें अभी थोड़ा सा नेगेटिविटी और देख सकते हैं यहाँ पे। वीकली में अगर देखेंगे तो ये आपका लास्ट वीक में प्राइस ये जो इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल था उसके काफी नीचे आ चुका है एंड हमें हमारा जो सपोर्ट लेवल था 1.2800 उसके नजदीक ही क्लोज दिया है। इसके अगर आने वाले हफ्ते में इसके लो के नीचे ट्रेड होता है तो हमारा जो इमीडिएट टारगेट हो सकता है लॉन्ग टर्म टारगेट, क्योंकि ये चार्ट जो है ये वीकली चार्ट है, तो ये 1.25 से 1.2550 की तरफ हो सकता है। डेली में अगर हम प्राइस को देखने का कोशिश करेंगे तो ये 1.28 के नीचे कन्विंसिंगली क्लोज दिया है एंड प्राइस एक्शन को देख के हमें टारगेट करना चाहिए 1.2500 से 1.2550 की तरफ, यानी इमीडिएटली सेल नहीं करके अब टिक में आप इसको सेल कर सकते हो। ऑसी डॉलर मंथली चार्ट में आपका एक अच्छा खासा प्राइस स्ट्रेंथ दिखा गया है फ्रॉम द बॉटम एंड इट्स सम सॉर्ट ऑफ हैमर टाइप ऑफ कैंडल एंड इसके हाई के ऊपर ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम में एक अपवर्ड मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर वीकली में देखेंगे, वीकली में भी अच्छा खासा प्राइस एक्शंस आपका देखा गया है एंड इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है वो 7050 की तरफ ये ओवर अराउंड कर रहे हैं। इसके ऊपर अगर जाएगा तो 0.7250 से 0.7300 विल बी द इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल्स। डॉलर सीएनएच जो मंथली में देखेंगे, मंथली में एक पॉजिटिव कैंडल तो है लेकिन प्राइस गॉट रिजेक्टेड ऑन द हायर लेवल्स। यहाँ पे देखने वाला बात ये है कि मई महीने का जो मदर कैंडल है इससे स्पिनिंग टॉप टाइप ऑफ कैंडल, उसके अंदर में जून एंड जुलाई का प्राइस कैंडल्स बिहेव कर रहा है, व्हाट इट मींस प्राइस कंसोलिडेशन, प्राइस कॉन्ट्रेक्शन ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम। जैसे ही आपका मई महीने का मदर कैंडल के रेंज के ब्रेकआउट होगा तभी एक अच्छा खासा मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वीकली में अगर देखेंगे, वीकली में
छोटा छोटा दो पॉस कैंडल्स बनाया हुआ है। ये जो मदर कैंडल है 11 जुलाई का वीकली का, इसके रेंज ब्रेकआउट के बाद ही आइदर साइड मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डेली में अगर देखेंगे, डेली में आपका जो 14 जुलाई का मदर कैंडल है उसके रेंज के बाहर ये ट्रेड नहीं हुआ है। जो डॉलर रुपी में आप देखोगे, डॉलर रुपी में 14 जुलाई का जो मदर कैंडल है उसके नीचे कन्विंसिंगली ब्रेक हो चुका है, लेकिन डॉलर सीएनएच में ये अभी भी उस रेंज के अंदर में ही, 14 जुलाई के कैंडल के रेंज के अंदर में ही है। अगर एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखना है तो ये रेंज के बाहर ट्रेड करना चाहिए। यूके ऑयल मंथली में अगर देखेंगे तो एक आपका ये नेगेटिव कैंडल बोल नहीं सकते कि बिकॉज द प्राइस गॉट रिजेक्टेड ऑन बोथ साइड्स ऑन ए मंथली टाइम फ्रेम। नीचे आपका 94.55 से प्राइस रिजेक्शन हुआ है ऊपर की तरफ, एंड ऊपर में भी आपका 114.70 से प्राइस रिजेक्ट हुआ है। तो दैट मींस इट्स ए स्पिनिंग टॉप, नाइदर ए बुल कैंडल नॉर ए बियर कैंडल, प्राइस रिजेक्शन ऑन बोथ साइड हुआ है। तो चॉपिनेस आने वाले दिनों में और भी बरकरार रहेगा। मंथली में जो रेंज है आपका 124, वीकली में जो रेंज है आपका 124 ऑन द हायर साइड एंड 97 ऑन द लोअर साइड, इस रेंज के अंदर में ही बिहेव कर रहा है। जब तक इस रेंज के अंदर में रहेगा तब तक प्राइस चॉपी बिहेव करने का एक्सपेक्टेशन है। डेली में हम देखेंगे कि ये जो 107.7080 का रेजिस्टेंस, इसके ऊपर क्लोज दे नहीं पाया, तो यहाँ पे थोड़ा सा चॉपिनेस एक्सपेक्टेड है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है हमारा ये 10 ईयर यूएस ट्रेजरी। ये 10 ईयर यूएस ट्रेजरी जो है आपका, ये क्लोज दिया है 2.654। ये 27 तारीख का FOMC रेट डिसीशंस के बाद ये काफी सॉफ्ट हुआ है। अगर वीकली में हम देखेंगे, वीकली में जो इमीडिएट सपोर्ट था 2.7104 के नीचे आ चुका है, और अगर इसको हम डेली में देखने का कोशिश करेंगे तो डेली में भी आपका एक ये कंटिन्यूअस लोअर है, लोअर लो फॉर्मेशन हो रहा है। यानी अभी जो इसका इमीडिएट सपोर्ट हो सकता है आपका 2.50 से 2.55 के तरफ इमीडिएट सपोर्ट होगा, एंड उसके बाद जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट होगा 2.35 से 2.37 के तरफ। तो वीकली करेंसी एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। इफ यू लाइक दिस वीडियो, रिक्वेस्ट ऑल टू लाइक शेयर कमेंट एज वेल एज सब्सक्राइब दोज पीपल हु हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल। दिस इज आशीष बरुआ फ्रॉम बरुआज वे साइनिंग ऑफ। थैंक यू।